आज मैं आया था, पापा का पासपोर्ट रिन्यू कराना था, शालीमार बाग आए तो मुझे लगा यहाँ पे काफी टाइम लग जाएगा। इन्होंने आज थोड़ा काम इन्होंने जल्दी किया तो पापा और मेरा प्लान बना है कि भारत दर्शन पार्क जो कि पंजाबी बाग में है आज वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे 21 मॉन्यूमेंट्स हैं और वो देखते हैं। आज जो हमारा टाइम लगा पासपोर्ट ऑफिस में जो पापा टाइम लगा आज कितना जल्दी हमें कर दिया है, 15-20 मिनट में उन्होंने हमें फ्री कर दिया। हमने सोचा था कि 1-1.5 घंटा लग जाएगा। मेरा ये प्लान रहा कि अगर हम जल्दी फ्री होंगे तो आज भारत दर्शन करेंगे। मम्मी भी मेरी कह रही थी लेके जाना है उन्हें, मैंने कहा चलो रास्ते में जा रहे हैं तो मम्मी को फिर कभी ले जाएंगे, तो अभी पापा मेरे साथ थे तो मैं कहा चलो चलते हैं। जो भारत दर्शन पार्क है वो उसके जितने मॉन्यूमेंट्स हैं वो सारे स्क्रैप से बने हुए हैं और जितना भी लोहा है उसमें जो बिल्कुल स्क्रैप है तो उससे उन्होंने बनाया। तो मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा एक बारी देखना चाहिए, और वो भी हमारी दिल्ली में है तो हमें पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में, और ये वीडियो के जरिए काफ़ी लोग वहाँ पर जा सकते हैं और वो देख सकते हैं। आपको गाड़ी जो है सड़क पे पार्क करनी पड़ेगी। भैया पार्किंग यहीं पे लगेगी जी? पार्किंग यहीं लगेगी, पार्किंग अंदर पार्किंग ही लगाई हुई इन्होंने, अंदर पार्किंग नहीं है सर। ठीक है, ऑन रोड। तो जब भी आप आओगे तो पार्किंग जो है आपकी भारत दर्शन के बाहर ये रोड है और ये भी पार्किंग लगती है जी। और ये भाई साहब जो है ये तो जब भी आप आओगे यहाँ से पीछे से टिकट मिलेगी। और ये सड़क है जो कि रजौरी गार्डन जा रही है और ये एनएसपी से आ रही है। चलिए अंदर जाके देखते हैं एक बारी। तो ये टिकट काउंटर है और यहाँ की जो टिकट है एडल्ट 100 रुपये, प्रीमियम टिकट 150। अभी मुझे पता नहीं प्रीमियम टिकट में होगा क्या, बाकी ये सारा रेट लिस्ट है। 3 साल से कम बच्चों की फ्री है, म्यूनसिपल स्कूल स्टूडेंट इनका भी आईडी कार्ड देखने के बाद फ्री है। तो ये टिकट काउंटर भैया, 2 टिकट तो पेटीएम हो जाएगा? नहीं। क्या कैश? 60+ है सर। हाँ 60+ है पर तो भैया यहाँ पे पेटीएम नहीं लेते आप? कोई गूगल पे कुछ नहीं? तो आप जब भी आएंगे यहाँ पे अगर भारत दर्शन देखने तो आप कैश जरूर लेके आए क्योंकि ये पेटीएम और गूगल पे नहीं लेते। अब जो हमारी टिकट है वो 150 की पड़ी है जिसमें 100 मेरी और पापा की 50 क्योंकि सीनियर सिटीजन है। तो 5:30 बजे के बाद अगर आप आते हैं तो यहाँ के जो चार्जेस हैं जो 100 से होके 150 हो जाते हैं। और हाँ जी आपकी टिकट तो बहुत सस्ती पड़ गई, 50 रुपये। सीनियर सिटीजन होने का फायदा, आपके बाल देख के पापा के बाल देखते हुए पूछा ये 60+ है। चलो शुक्र है कुछ सफेद बालों का कुछ फायदा हुआ। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जब भी आप आए यहाँ पे कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है। और तो मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मेरे को कैमरा अलाउ कर दिया, बट वो कह रहे थे कि कुछ चार्जेस हैं अगर आपने वीडियो बनानी है, चार्जेस हम अभी आके कह रहे थे रजिस्टर में देखना पड़ेगा। तो मैंने रिक्वेस्ट करी तो कहते चलो ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। उन्होंने इसमें एंगल्स पाइप और साइकिल को टायर के रिंग, साइकिल के टायर और गियर, इसे ये बनाया हुआ गेटवे ऑफ इंडिया। जैसे आप देख सकते हैं ये ऊपर रिंग से बनाया हुआ है और सारा पाइप और एंगल अभी। और ये ऊपर जो है ऊपर टायर है अगर आपको दिख रहा हो तो। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है,
बाबा इनमें से जो अभी तक देखा आपने कुछ गेटवे ऑफ इंडिया है जो ये सारे? ये पहली बार देखा है, बहुत ही एक अलग अपने आप में इतना अच्छा लगता है। सारे स्क्रैप का इन्होंने बनाया। चलिए देखते हैं क्या ये, पढ़ते हैं इसके बारे में। व्हाट वृक्ष? तो अच्छा ओके, इन्होंने ये इस वृक्ष का बनाया हुआ है। तो ये हवा महल है, मैं भी यहाँ पे गया हूँ, पापा भी गए हैं। बाकी जो दो जगह हमने देखी थी वहाँ पे तो नहीं गए। बाकी यहाँ से निकलते हैं, ये आगे एक और रास्ता है। क्यों क्या भैया आज फ्री हो? लोग नहीं आ रहे आजकल, शाम को यहाँ पे लाइट्स कब जलती हैं? 6:30 बजे। तो हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार, दिल्ली का दूसरा कुतुब मीनार है ये। तो यहाँ पे कुतुब मीनार के पास बैठने का इन्होंने अच्छा इंतज़ाम बनाया हुआ है। और शाम को 6:30 बजे के बाद यहाँ पे लाइट जला देते हैं और भी सुंदर लगता है, जो कि मैंने वीडियोस में और फोटोज़ में देखा है। और ये इनका सिटिंग एरिया है। तो अभी जैसे गर्मी का टाइम है तो इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे, बट जैसे बता रहे हैं कि रात को काफ़ी प्रीमियम टिकट है। जो नॉर्मल टिकट है वो 100 रुपीज़ है, 5:30 बजे के बाद ये 150 रुपीज़ चार्ज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स वगैरह जलाते हैं। तो अभी म्यूजिक लाइट्स है। तो अभी स्टार्ट नहीं किया उन्होंने? 6 बजे होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये मीनाक्षी टेम्पल। जैसे इन्होंने शेड डाले हुए हैं, शेड की जगह इन्होंने सोलर पैनल लगाए हुए हैं, जिससे कि बिजली भी फ्री हो रही है और धूप वगैरह से भी बचा जा सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये रामेश्वरम टेंपल जो है, गियर्स चेंज, आयरन आइडल, पाइप्स रोड, सिलेंडर एंगल्स एंड पाइप, तो इससे बनाया ये।
जैसे यहाँ पे 21 मॉन्यूमेंट्स हैं और इनमें से हमने कुछ ही देखे हैं, है ना। एक कुतुब मीनार था और हवा महल था, इसके अलावा तो अभी तक मेरे को नहीं लगता कुछ देखा हमने और। बट आगे देखते हैं कि कौन कौन से और रह गए, और 21 है यहाँ पे वैसे टोटल, और चलिए आके देखते हैं। तो फाइनली एक स्टॉल मिला है यहाँ पे, ये भाई साहब पेटीएम लेते हैं और चलिए कुछ खाते हैं। क्या आप क्या लोगे? रोटी ले लेते हैं या सैंडविच? एक सैंडविच दे दो। सैंडविच कौन सा? चिकन वेज? वेज में ग्रिल सैंडविच, एक ग्रिल सैंडविच कर दीजिए। और एक पापा क्या लेंगे? फ्रूटी रियल जूस ले लो, रियल जूस कर दो। तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह और पानी के वाटर कूलर भी लगे हुए हैं, तो सारी फैसिलिटी है यहाँ पे। और या तो पूरा मॉर्निंग में आए या फिर इवनिंग में आए, इवनिंग में थोड़ा वेदर अच्छा रहता है, दिन में बहुत गर्मी थी और रात का टाइम में यहाँ पे प्रॉपर लाइट्स वगैरह जलती हैं तो और भी अच्छा लगता है ये देखने में। और 7 वंडर भी हैं यहाँ पे सराय काले खां, और वो भी ऐसे ही बने हुए हैं, क्योंकि मेरी उससे बात हुई थी बंदे से, तो उसने मेरे को बताया कि 7 वंडर भी इसी तरीके से बनाए हुए हैं। ये ताज महल भी है यहाँ पे, तो अभी तक मैंने जितने भी यहाँ पे देखे मॉन्यूमेंट्स, तो सबसे बढ़िया जो मेरे को ताजमहल लगा है, और इन्होंने बहुत ही प्यारा बनाया था ये। ये भारत दर्शन जो पार्क था ये हमने कंप्लीट किया, सारी चीजें देखी, बहुत अच्छा लगा था। और जो यहाँ पे आर्ट की इन्होंने, जो स्क्रैप के बना के जो इन्होंने बनाया, वो अपने आप में ही अलग ही बात है। वो ये चीज जैसे ताजमहल था, जगन्नाथपुरी और जितने भी काफी सारे चार मीनार है ना, तो बहुत ही अच्छा बनाया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।